बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। जय भीम, समय से थोड़ा सा लेट हो तो बस ये बताइए कि आवाज कैसी आ रही है। आवाज अब तक पहुंचनी नहीं पहुंची। अब अपना तो आपसे बात करने का साधन एक मात्र यही है। अपना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब यही है, इसी के जरिए आपसे बात हो सकती है। तो जो साथी देख रहे हैं बस एक बार मुझे बता दें कि आवाज कैसी आ रही है, आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही। जबीम जबीम बताओ आवाज कैसी आ रही है, अब तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। सागर प्रशांत आवाज आ रही है नहीं आ रही है बताओ। ठीक है, एक साथी ने बता दिया, सत्यवान ने शायद बताया कि आ रही। सबसे पहले तो आप सब लोगों को परम पूजनीय बाबा साहब की जयंती जो है अभी गई है, उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जिस तरह से इस बार लॉकडाउन के चलते जो है जयंती मनाई गई, उसके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आपने पढ़े लिखे होने का प्रमाण भी दिया और देश की जो मौजूदा हालात है उसको समझते हुए जो है बड़े शांतिप्रिय तरीके से जो है अपने घर पे जयंती की जो है प्रोग्राम मनाया। और मैंने तो कुछ अपेक्षाएं आप लोगों से की थी, उस पर बहुत सारे लोग खरे उतरे सवालों के जवाब भी दिए और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक आदर्शवादी तरीके से इस बार जो है जयंती को मनाया गया। पहले क्या होता था कि एक चलिए लॉकडाउन से अलग जब होता था तो गांव में क्या शोभा यात्रा निकलती है और उसमें झगड़े ज़्यादा होते हैं, कुछ हमारे लोग बाबा साहब खुश करने के लिए शराब पी लेते हैं, वो फिर डांस करते हैं शराब पी के, तो उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान होता है। जिस तरह से मैंने कई बार देखा, बहुत बार की खबर आती थी, अब पिछली जयंतियों का उठा के देखें, इस बार भी कहीं एक दो जगह पे कुछ लोगों ने जो उनकी आदत है पुरानी है सब छेड़खानी करने की, तो वो करने का प्रयास किया। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार ये भी समझना पड़ेगा कि शराब पीने से कभी या शराब पीकर नाचने से बाबा साहब कभी अच्छा नहीं मानते। दूसरा, बहुजन मिशन पे जो चर्चा करना चाह रहा था, अब वो जरूरी बात ये है कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता जो है वो ऐसा पेड़ ऐसा पौधा जो हल्के से हवा के झोंके से गिर जाएगा। अभी नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा, मैं अगर आप एक मिनट का समय दें तो मैं कुछ चीज़ें जो है, लेकिन ठीक है चलिए इसे ऐसे बात कर लेते हैं। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता वो पेड़ पौधा है जो हल्के हवा के झोंके से गिर जाएगा। ज़्यादा लोग कह रहे हैं जी तो ज़्यादा समझते भी नहीं है, नुकसान भी उठा लेते हैं जैसे जैसे अफवाहों पर ध्यान भी देते हैं, और ऐसा ही कुछ ये बाबा साहब ने कहा और ऐसा ही कुछ जो है माननीय काशीराम साहब ने भी कहा है, मैं वो भी दोहरा देता हूँ कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। ये माननीय काशीराम साहब ने कहा है। एक बड़ा षड्यंत्र जो है अभी चल रहा है, मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाह रहा था, सरकार से डर के सब लोग जो हैं मीडिया के लोगों या अन्य लोगों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब आरएसएस के बहुत करीब थे। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, बाबा साहब की वॉल्यूम्स में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने मना किया था किसी भी हालत में
आरएसएस या उनकी से जुड़ी हुई पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उनके साथ कोई अलायंस नहीं बनाएंगे। आने वाले समय में ये आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, जिस तरह से ये सब लोग एकजुट हो रहे हैं, उस तरह से आरएसएस को बड़ा खतरा भी महसूस हो रहा है। और इसके कार्ड के तौर पे वो बाबा साहब को यूज कर रहा है। आप भी जानते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की सब यात्राएं निकाली। ये बाबा साहब के हितेशी नहीं है, ये तब हितेशी नहीं थे तब इन्होंने बाबा साहब को खून के आंसू रुलवाए। तो ये बड़ी साजिश हो रही है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तरह तरह से लोग आपको गुमराह करेंगे, भड़काने का काम करेंगे, अफवाह फैलाएंगे, इन पर ध्यान नहीं देना है। बाबा साहब कभी आरएसएस के समर्थक नहीं थे, वो हमेशा से आरएसएस के खिलाफ खड़े रहे, ये बात आप जान लें। मैं पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। दूसरी बात, एक घटना हुई है अभी कासगंज में, और क्योंकि उसमें त्वरित कार्रवाई भी हुई, हमारी भी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई, हमारी टीम ने बात की और ये तुरंत इस पे कार्रवाई के लिए अपील की। वो घटना जो है, हमारे अपने परिवार के लोग हैं जो सैन समाज से हैं, उनके साथ हुई। एक महिला को एक अपाहिज व्यक्ति उसने गोली मारी और लोग आराम से देख रहे थे। आप लोगों ने सबने उसकी वीडियो देखी होगी, लोग आराम से उसको देख रहे थे। और उसके हौसले देखिए कि वो बहुत आसानी से गोली चला रहा है, लोग देख रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन कोई रोकने के लिए नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य कि बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर इतने हौसले जो है अपराधियों के बढ़ चुके हैं, सरकार से जुड़े लोगों के, कि वो हत्या करने में परहेज नहीं कर रहे हैं। और ये जो परिवार था उनकी, वो इस उनकी डेथ हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिली है। और 3 साल से महिला अकेली रहती थी, अब इस घर को, वो जो संपत्ति, उसको कब्जाने के लिए किया गया। तो जो बात मैं आपको कह रहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती, तो समाज का मतलब आप सिर्फ दलित समाज से मत लें, ये इस तरह के बहुत सारे समाज जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, ये बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन इनकी जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो शून्य है। ये सिर्फ वोटर ही बने रहना चाहते हैं। माननीय काशीराम साहब ने इसको बहुत मजबूती से समझा, हमें सबको पीछे, अपने पीछे लगा के नहीं खड़ा करना है, हमें उनको उनकी हिस्सेदारी देनी। पूरे देश में एक बड़ा वर्ग है, एक और बड़ा इतिहास है, एक नंद समाज का, नंद साम्राज्य का शासन हुआ है, राजा वर्ग के लोग रहे। और ऐसा नहीं है कि वो कोई कमजोर लोग हैं, बस क्योंकि ज्यादा लोग अपना इतिहास नहीं जानते तो खुद को कमजोर समझ बैठे हैं। और एक बड़े नेता हुए हैं बिहार के अंदर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इसी समाज से थे। अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि अपने इस परिवार को मजबूती से जोड़ें और उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। और ऐसे ही और जो समाज, जैसे हमारे पाल समाज है, जैसे हमारे कश्यप समाज है, जैसे हमारा और मोस्ट बैकवर्ड में शाक्य, मौर्या, कुशवा, सैनी, जाट, गुजर, यादव, पटेल, ये एक तरह का परिवार ओबीसी वर्ग का एक बहुत बड़ा वो है समुदाय। ऐसे ही दलितों में भी बहुत सारे सब कास्ट है, उन सब लोगों को भी बाबा साहब जाति का विनाश चाहते थे। और ये जाति का विनाश वो लोग नहीं करेंगे जिनको जाति की वजह से फायदा होता है, और आप बेहतर जानते हैं देश में जाति की वजह से किसे फायदा होता है। तो ये हमारा अपना परिवार है और साजिश के थ्रू हमसे दूर किया गया है। तो अब मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा, नौजवानों से, कि वो इस पे ज्यादा काम करें, अपने परिवार जोड़ने काम करें और इन सुरक्षा करने काम करें अपने लोगों की। किसी हत्यारे को इतनी ताकत ना एहसास हो जाए वो ये ना सोच ले कि अकेले लोग हैं या कमजोर लोग। मैंने पहले ही बताया कमजोर नहीं है, लेकिन अपने परिवार को, अपने इस परिवार को जोड़ के रखना है और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। और जैसा मैंने कहा कि ये तो खुद में राजा वंश है, जब आप इतिहास पढ़ेंगे नंद साम्राज्य का, नंद वंश का,
तो ये तो यहाँ के मूल निवासी लोगों का तो राज था, यहाँ के जो बहुजन समाज के लोगों का, उनका उनका राज छीन के उनको ही तो यहाँ इस देश में कमजोर बनाया गया है। समझने की बात यह है कि ये सब चीजें तब हो पाएंगी जब आपके अंदर अपने मूवमेंट के प्रति समर्पण है और आपका लक्ष्य आपको दिखाई देता है, समझ आता है कि आपका लक्ष्य क्या है और आप यहाँ इस देश में गुलामी करने के लिए नहीं बने हैं, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं बने, इस देश में शासक वर्ग बनने के लिए, राजा बनने के लिए। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ये कहते थे कि जिस समाज का राजा होता, जिस समाज शासक होता, उसकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते, उनके साथ शोषण नहीं होता, उनको सताया नहीं जाता, उनके हिस्से के जो अधिकार है वो छीने नहीं जाते। तो अगर आप इस देश में अपने अधिकार चाहते हैं, स्वाभिमान और सम्मान से जीना चाहते हैं, अपने लोगों की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो आपको इस देश में शासक बनना पड़ेगा और शासक बनने के लिए इसे मजबूत करना पड़ेगा, अंगूठे को या इस उंगलियों को मजबूत करना पड़ेगा कि जब आप इस बार जाएंगे। यह आजाद समाज पार्टी इसलिए बनाई है कि वो जो साइकिल चलाने वाला है, वो जो रिक्शा चलाने वाला है, वो जो खेत में काम करने वाला किसान है, मजदूर है, नौजवान है, गरीब है, शोषित है, वंचित है, महिलाएं हैं जिनको बाबा साहब ने, उन सब लोगों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए बनाई कि वो गरीब लोग भी राजनीति कर सके, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। क्योंकि आप मेरी अपील के बाद जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, भीम आर्मी के नौजवानों ने पूरे देश में लॉकडाउन के समय में लोगों की मदद करने का काम किया, जो जरूरतमंद लोग थे, भूखे थे, उन लोगों की मदद करने का काम किया और लगातार अभी भी कर रहे हैं बहुत सारी जगह पर, जैसे गौतम बुद्ध नगर चल रहा है यूपी के अंदर, मेरठ में चल रहा है, मुजफ्फरनगर चल रहा है, शामली चल रहा है, बड़ौद चल रहा है।